न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की कानून बनाओ और यह काला कानून वापस लो, नहीं तो इस देश को चलने नहीं देंगे, तुम्हारी सरकार को चलने नहीं देंगे और सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन को तेज करेंगे। जब छात्र आंदोलन करती है अपने हक और अधिकार के लिए तो उसे अफजल प्रेमी बताया जाता है, जब किसान आंदोलन करती है तो उसे खालिस्तानी बताया जाता है, जब मुसलमान अपने हक और आवाज़ को उठाता है, बुलंद करता है, तो उसे पाकिस्तानी बताया जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि आप हमें जवाब दें कि आप कहाँ के हैं। और सरकार कहती है कि ये किसान के हित में है, अगर हित में है तो कभी तो किसान ने आपसे कोई डिमांड नहीं किया, आखिर क्यों, अगर हित में रहती तो ये किसान आंदोलन क्यों कर रही है इस तरह, जो मतलब वहाँ से आ करके डेरा डंटा डाले हुए हैं, क्यों ऐसा क्यों है, क्यों लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। किसान को धोखा देने का आपने काम किया है, ये तीन कानून ला करके कॉरपोरेट घरानों को मजबूत करने का आप काम कर रहे हैं और झूठ मूठ अफवाह फैला रहे हैं कि ये किसान के हित में है। जब तक मोदी नरेंद्र मोदी जो भी लिए हैं डिसीजन, वो नोटबंदी हो, GST हो, उसका जो भी विरोध किया है उसको सबको जोड़ दिया आतंकवाद से। जवान जय किसान अब उसे कर दिया गया है जवान VS किसान, जवानों को किसानों से लड़ाया जा रहा है। हम अभी बिहार के मधेपुरा ज़िले में खड़े हैं और बिहार की बात करें तो बिहार पूरी तरह चौक हो चुका है, यानी जाम हो चुका है। इसी सिलसिले में मधेपुरा के शहर में है, यहाँ पे आप नज़ारा देख रहे होंगे, कई विपक्षी दलों के नेता जो है वह सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, कुछ नेतागण हैं उनसे बात करेंगे। देखिए, यह कृषि बिल पूरी तरह से काला बिल है, यह देश हिंदुस्तान किसानों का देश है और यह सरकार अपनी कॉरपोरेट भ्रष्ट नीतियों के आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को निजीकरण कर रही है, उसी प्रकार यह सरकार खेत खलिहान और फसल को बेचने पर आमदा है। और हमारा संकल्प है, देश के तमाम किसान संगठन का संकल्प है कि हम खेत खलिहान और देश को बेचने नहीं देंगे, चूँकि यह जब खेत बचेगी तो गांव बचेगा और जब गांव बचेगा तो देश बचेगा। और यह सरकार न सिर्फ खेत और गांव को बेचना चाहती है, यह सरकार देश को बेचना चाहती है। इस कानून के मुताबिक पूरे खेत और खलिहान पर कॉरपोरेट परिवार का कब्जा हो जाएगा, हम उसके मंडी में अपने अनाज को ले जाएंगे और वह हमारा अनाज का कीमत तय करेगा कि हमारा अनाज का कीमत कितना होगा, सरकारी गोदाम खाली हो जाएगी, सरकार के गोदाम में अनाज नहीं रहेगा और जब अनाज नहीं रहेगा तो जनवितरण प्रणाली ध्वस्त हो जाएगा, जब जनवितरण प्रणाली ध्वस्त हो जाएगा तो गरीबों को अनाज नहीं मिलेगा, यानी खाद्य सुरक्षा का संकट आएगा, जब खाद्य सुरक्षा का संकट आएगा तो देश में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होगी, देश में आर्थिक संकट पैदा होगा, देश तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमारी स्पष्ट मांगे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की कानून बनाओ और यह काला कानून वापस लो, नहीं तो इस देश को चलने नहीं देंगे, तुम्हारी सरकार को चलने नहीं देंगे और सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन को तेज करेंगे। प्रमोद प्रभाकर, राष्ट्रीय परिषद सदस्य, PI। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पे, राजद के जो मधेपुरा के जिला अध्यक्ष है वो है हमारे साथ। आप लोग भी समर्थन दे रहे हैं, किस बात को लेकर, किस मुद्दे को लेकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं? कृषि बिल जो केंद्र सरकार ने पारित किया है वह किसान के लिए काला बिल है और हमारे हिंदुस्तान के विभिन्न राज्य के लोग किसान दिल्ली में धरना दिए हैं जो यह बिल वापस लो, क्योंकि इस बिल से हमारे कॉरपोरेट प्रस्थ को लाभ मिलेगा और हमारे किसान को उससे काफ़ी हानि होगी। पहले, बहुत पहले हमारे किसान ने आंदोलन करके या राजनीतिक पार्टी ने आंदोलन करके किसान के पक्ष में MSP बिल को लागू करवाया था। MSP लागू करने पर ही किसान का कोई भला हो सकता है और जब तक किसान को सही अपने फसलों की कीमत नहीं मिलेगी तो उसका विकास कभी संभव नहीं है। लोग बिहार में उतरे हैं रोड पर, सारे किसान हैं, अगर वो गलत आरोप लगाती है BJP तो उनका आरोप गलत है। किसान के सम्मान में यहाँ के जो नेता है और किसान है वह मैदान में है। हमारे साथ कुछ और युवा है, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ और मैं भी किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। हम आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं
आखिर सत्ता में बैठे लोग जवाब दे, जब छात्र आंदोलन करती है अपने हक और अधिकार के लिए तो उसे अफजल प्रेमी बताया जाता है, जब किसान आंदोलन करती है तो उसे खालिस्तानी बताया जाता है, जब मुसलमान अपने हक और आवाज़ को उठाता है, बुलंद करता है, तो उसे पाकिस्तानी बताया जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि आप हमें जवाब दें कि आप कहाँ के हैं। आप पूंजीपतियों को श्रेय देते हैं और हम लोग जो आम आवाम, जो गरीब है, जो किसान है, वह आम आवाम की बात करता है। अगर यह सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेवार सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी की सरकार और गृह मंत्री रहेंगे। चलिए कुछ और नेता हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इफ्तिखार आलम, रालोसपा के आलमनगर विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, प्रदेश में संगठन सचिव हैं। क्या आप कैसा देखते हैं इसे? ये देखिए, ये जो तीन कानून केंद्र सरकार लाई है वो किसानों के हित में नहीं है, और सरकार कहती है कि ये किसान के हित में है। अगर हित में है तो कभी तो किसान ने आपसे कोई डिमांड नहीं किया, आखिर क्यों? अगर हित में रहती तो ये किसान आंदोलन क्यों कर रही है? इस तरह जो मतलब वहाँ से आ करके डेरा डंटा डाले हुए हैं, क्यों ऐसा क्यों है? क्यों लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं? किसान को धोखा देने का आपने काम किया है ये तीन कानून ला करके, कॉरपोरेट घरानों को मजबूत करने का आप काम कर रहे हैं, और झूठ मूठ अफवाह फैला रहे हैं कि ये किसान के हित में है, जबकि ये किसान के हित में कहीं से नहीं है। बड़ी बात है, आज तक मोदी नरेंद्र मोदी जो भी लिए हैं डिसीजन, वो नोटबंदी हो, GST हो, उसका जो भी विरोध किया है उसको सबको जोड़ दिया आतंकवाद से, पाकिस्तान से, जो भी उसके खिलाफ में जाता है उसको जोड़ दिया जाता है खालिस्तान या पाकिस्तान से। सबसे बड़ी बात है कि ये बिल क्यों लाया गया, किसके लिए लाया गया, और कौन ये बिल लाने के लिए कहा? ना तो किसान का मांग था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मांग था, तब क्यों लाया गया? और ये बिल लाया गया अध्यादेश के माध्यम से, जो कि राष्ट्रपति के माध्यम से होता है, संसद में मांगा जाता है पॉलिटिकल। तो सबसे पहले कानून बनाने का नियम है कि संसद में उसको लाया जाए, बहस किया जाए, संसदीय समिति को दिया जाए, उसके बाद पास होता है। आपका सीधे तौर पे यह कहना है कि गलत तरीके से बिल लाया गया? बिल एकदम शुद्ध रूप से गलत तरीके से लाया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं।